Assalamualaikum guys, this is Naseeb Khan and welcome to another video. दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 एंड्रॉइड एप्स ऑफ सितंबर 2018. वेल वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तरफ से अपलोड होने वाले रोज नई वीडियो आपको मिलती रहे. चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं. हमारे पास यहाँ पे पहली ऐप है वो है ओवरड्रॉप. ओवरड्रॉप एक वेदर ऐप है ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेदर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है, अब जब भी आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों सिंपल इंटरफेस मिलेगा. ऊपर की जानिब आपकी सिटी का आपको टेम्परेचर वगैरह मिल जाएगा. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे विंड स्पीड वगैरह जितने भी टेम्परेचर के रिलेटेड या वेदर के रिलेटेड सॉरी जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाएगी. नीचे की तरफ आप अपकमिंग 7 डेज का आप कह सकते हैं जितना भी जो कुछ होने वाला है वो भी मिल जाएगा वेदर के रिलेटेड. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप सिटी चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है. ठीक है, मैं यहाँ से पहले लाहौर था, मैं कराची कर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे कराची का वेदर मेरे पास आ जाएगा. ठीक है, सिंपल सामने ही आइकन है, इसी पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं. तो आप इस यूज कर सकते हैं दोस्तों, यार अच्छा ऑप्शन होता है. इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट विजिट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये आपको मिलेंगे प्रीमियम वर्जन में, अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो ये आप यूज कर पाएंगे. इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग है जो कि आप देख सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करके यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट ऐप है वो है लैंग्वेज नेवी. लैंग्वेज नेवी एक ट्रांसलेटर है जो कि पूरी ऐप को ही ट्रांसलेट कर देता है. ठीक है दोस्तों, सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, इसे इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने ऐप सेलेक्ट कर लेनी है सबसे पहले. ठीक है, यहाँ से मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट कर देता हूँ. उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिससे कन्वर्ट करना चाहते हैं और दूसरी वो जिसमें आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ से इंग्लिश उर्दू कर देता हूँ, उसके बाद सिंपली डाउनलोड कर देना है. और यहाँ से अब आप किसी भी किस्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, मुझे मैथ ज्यादा आती नहीं है. ठीक है, तो मुझे नहीं पता मैं आपको क्या कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाऊं, बट आप इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, और आपके मर्जी के मुताबिक जितने भी जिस किस्म के भी आप यहाँ से चाहें कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ये आपके पास एक काइंड ऑफ ये ऐप जो है आपके स्मार्टफोन को साइंटिफिक कैलकुलेटर में तब्दील कर देगी. अब ये क्या है, बहुत सारे लोग दोस्तों स्मार्टफोन एडिक्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक है अपने टाइम को लिमिट करने के लिए यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं कि आप कितना टाइम स्पेंड करना है. ठीक है, यहाँ पे स्मार्टफोन में ठीक है यहाँ पे जब भी आप दूसरे ऐप को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको सिंपल इंटरफेस मिल जाएगा. आपने कितनी मरतबा स्मार्टफोन ओपन किया, कितना टाइम यूज किया, ठीक है आपने जो कुछ भी स्मार्टफोन से किया होगा वो सारी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे आप अपने शेड्यूल बना सकते हैं. ठीक है, और जब वो जो टाइम लिमिट आप वहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है जब आप उससे एक्सीड करने लगेंगे, जब आप उससे आगे जाने लगेंगे तो आपको टाइमर दे दिया जाएगा. ठीक है, कि आप जो है आप एक्सीड कर रहे हैं. तो आपके लिए अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं और बाकी काम वगैरह स्टडी वगैरह नहीं कर पाते तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट रह सकती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. आपको इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा. वॉलपेपर जो है आपका वो लग चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड है. ठीक है, इसे आप हटा दे तो आपकी मर्जी है, चेक कर लें तो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे वॉलपेपर आपका यूज किया जा चुका है, आपका यहाँ पे वॉलपेपर लग चुका है.
और भाई यहाँ पे नेक्स्ट ऐप है वो है म्यूजिक प्लेयर, जो कि अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं ठीक है तो ये आपके लिए बेस्ट ऐप रह सकती है। ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों करना क्या, सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। उसे मैंने इसलिए पिक किया है कि ये बिल्कुल लाइट वेट है, ठीक है आपके सिस्टम पर लोड नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जितने भी आप कह सकते हैं ऑप्शन मिल रहे होते हैं मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्ले लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे नाम दे देना है कोई भी, ओके, उसके बाद कुछ भी सॉन्ग आप चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इस ऐप को आप ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऐप है वो है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर। दोस्तों एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आप किसी भी वीडियो को MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और रिंग टून्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है तो आपने सिंपल यहाँ पे वीडियो सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेलेक्ट कर देने हैं, ठीक है, जिस ड्यूरेशन की आप रिंग टून वगैरह बनाना चाहते हैं या MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद MP3 या फिर EC सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। एंड देन सिंपल आप लोगों ने कन्वर्ट पर कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होगी और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी तरफ से अपलोड होने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।